वेलकम टू आर वायु चैनल। इस संडे यानी 15 जनवरी को द लास्ट ऑफ अस का प्रीमियर हुआ था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं ताकि जो लोग जिन्होंने ये गेम कभी नहीं खेला है उनके लिए ये सीरीज समझना आसान हो जाए और कहीं से मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए। अगर आपने ये गेम खेला है या नहीं भी खेला हो तो तभी भी मैंने ये वीडियो स्पॉइलर फ्री रखी है ताकि सब लोग इस सीरीज की जर्नी को एंजॉय कर सके। जल्द ही मैं सीरीज के सारे एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन भी लेकर आने वाली हूँ। तब तक आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ से हम गेम की दुनिया में एंटर करते हैं क्योंकि ये स्टोरी द लास्ट ऑफ अस की ही है, जहाँ एक पोस्ट एपोलेक्टिक सीन दिखाया जाता है एक मॉडर्न डे सोसाइटी का। दुनिया में एक भयानक इन्फेक्शन के फैलने के 20 साल बाद का है। गेम में यहाँ प्री पेंडेमिक दुनिया का एक छोटा डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है, जहाँ प्लेयर के पास पेपर के पीसेस, रिकॉर्डिंग और नोट्स होते हैं और उन्हें सारे क्लूज एक साथ लाकर डिस्कवर करना होता है। यहाँ ये शो आउटब्रेक के पहले और बाद के टाइम को शो करेगा, जहाँ हम एपोकलिप्सी को देख सकते हैं आउटसाइड अमेरिका। ये देखने में सुपर इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे दुनिया के और पार्ट्स में यह आउटब्रेक होता है। यहाँ आउटब्रेक की बात करें तो इन्फेक्शन एक बड़ा क्वेश्चन है, जिसको जाना जाता है एस कॉर्डिसेप्स ब्रेन इन्फेक्शन या फिर कहे CBI, जो कि कॉर्डिसेप्स फंगस से आता है और ह्यूमन ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, जिससे ह्यूमन हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं और सोचना छोड़ देते हैं और इसके अलावा वो खुद के बॉडी को म्यूटेट करने लगते हैं फंगल ग्रोथ के साथ। ये फंगस ओरिजिनेट हुआ था कंटामिनेटेड क्रॉप से, जो कि इंपोर्ट की गई थी साउथ अमेरिका से। FDA ने ये इंपोर्ट क्रॉप्स को काफी कंट्रीज से वापस लाने का ट्राई भी किया था, लेकिन कुछ ही मंथ्स में रफली 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन तो मारे गए थे या फिर इन्फेक्ट हो चुके थे। 20 साल बाद हमें इस इन्फेक्शन के बारे में और पता चलता है इन गेम पैम्पलेट और इन्फोग्राफिक्स की वजह से, जो कि फेडरल डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी या फिर कहे फेडरा ने जारी की थी। यहाँ फेडरा ने US गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया था एज लीडिंग अथॉरिटी आउटब्रेक के बाद से। प्रेजेंट डे में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है ब्रीदिंग के थ्रू या फिर इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से कॉन्टेक्ट होने पर, खासकर अगर आप काटे जाते हैं किसी इन्फेक्टेड इंसान से। यहाँ इन्फेक्टेड बॉडी एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डेवलप करती है फंगी का। अभी तक कोई क्योर नहीं है और सारे अटेम्प्ट्स वैक्सीनेशन बनाने के फेल हो चुके हैं। गेम में 4 स्टेजेस दिखाई गई हैं इन्फेक्शन की। स्टेज 1 स्टार्ट होती है 2 दिनों के अंदर, जहाँ इन्फेक्शन विक्टिम के मोटर फंक्शंस पर कब्जा कर लेता है और ये कहते हैं रनर्स। ये काफी फास्ट होते हैं और ग्रुप बनाकर ट्रेवल करते हैं। स्टेज 2 एक साल के अंदर अंदर डेवलप हो जाती है और इन्फेक्शन कम्प्लीटली ब्रेन को टेक ओवर कर लेता है और साथ ही बॉडी में आउटवर्ड फंगल ग्रोथ भी देखने को मिलता है। सर में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलना स्टार्ट हो जाता है। इन्हें कहते हैं स्टॉकर्स। यहाँ अभी भी इंसान का सेंस इंटैक्ट होता है ताकि देखने और भागने में रनर्स को हेल्प मिल सके। अब साल भर बाद होस्ट अपनी तीसरी स्टेज में एंटर होता है, जिसे क्लिकर्स कहा जाता है, क्योंकि फंगल ग्रोथ होस्ट को अंधा बना देता है और फिर होस्ट अपने इको लोकेशन पर डिपेंड रहता है, जहां उसके पास स्ट्रॉन्ग हेयरिंग पावर आ जाती है और वो और चालाक और डेंजरस बन जाता है। अगर इन्फेक्टेड होस्ट अभी भी सरवाइव कर जाता है तो काफी सालों बाद, जो कि काफी रेयर है, वो 4th स्टेज में एंटर होता है, जिसे कहते हैं ब्लोटर्स। ये एक हार्ड फंगल प्लेट्स में कवर होते हैं, जो कि एक आर्मर की जैसे एक्ट करते हैं। ब्लोटर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक एसिडिक बॉल को फेंकते हैं, जो कि वो उनके बॉडी से ही निकलता है। ये स्टोरी 20 साल बाद की है, यानी 2033, जब CBI आउटब्रेक हुआ था गेम में 2013 पर अभी आई सीरीज में 2013 में ये सब स्टार्ट हुआ है और हम करंट ईयर में आते हैं। इस वर्ल्ड के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पिलर्स कोलैप्स हो चुके हैं और एक मिलिट्री रन क्वारंटाइन जोन की शुरुआत हो चुकी है सिटीज में, जहां US सर्वाइवर्स उस रेफ्यूजीज क्वारंटाइन जोन पर रिलाई कर रहे हैं और राशन पर डिपेंड करते हैं, जहां पुअर कंडीशन के साथ रेबेलियन, स्मगलिंग और मिलिट्री के अगेंस्ट ग्रुप बन चुके हैं। यहां सबसे बड़ा ग्रुप है फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज एक रिबल ग्रुप है जो फेडरा को नीचे लाना चाहता है और गवर्नमेंट को रिस्टोर करना चाहता है ताकि वो इस इन्फेक्शन का क्योर पे काम कर सके। यहाँ कुछ सिटीजन क्वारंटाइन जोन के उनके साथ स्टैंड करते हैं, जबकि कुछ लोग फायरफाइज को क्रिटिसाइज भी करते हैं एज वो फेडरल को रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ क्वारंटाइन जोन की लाइफ भी काफी टफ है, पर जो लोग जोन के बाहर ट्रेवल करते हैं उनको भी डिफरेंट एनवायरमेंट का सामना करना पड़ता है, जहाँ हर जगह जंगल बन चुका है और साथ ही हमेशा इन्फेक्टेड लोग से खतरे के साथ साथ कुछ ह्यूमन से भी उन्हें काफी डर लगता है, क्योंकि वो
वो लोग सरवाइव करने के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ काफी मुश्किल है सरवाइव करना, क्योंकि किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हर कोई एनवायरमेंट से डील करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ फूड की कमी के कारण हमेशा इन्फेक्टेड लोग से डर रहता है। सीरीज की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स हैं जोल, सारा और टॉमी। सारा जोल की बेटी है और टॉमी जोल का भाई है। जोल यहाँ एक मेन कैरेक्टर है और उसके हार्ट पास ने उसे एक कठोर और निदक स्वभाव का इंसान बना दिया है। यहाँ टेस भी है जो कि जोल की लॉन्ग टाइम स्मगलिंग पार्टनर रह चुकी है। वो जोल के साथ वेपन सप्लाईज और दूसरे इनलीगल काम में उसका साथ दे चुकी है क्वारंटाइन जोन बॉस्टन में। टेस एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीट स्मार्ट सर्वाइवर है जो कि अपने जॉब में जोल और टेस के साथ मार्लिन से मिलती है। मार्लिन यहाँ पर एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लीडर है। मार्लिन वही है जिसने जोल और टेस को असाइन टास्क दिया था एली को कैपिटल बिल्डिंग पर ट्रांसपोर्ट करने का। यहाँ एली एक 14 साल की लड़की है जो कि काफी चालाक है और रिसोर्सफुल है। एली यहाँ पोटेंशियल इम्यून है उस इन्फेक्शन से जो कि उसे वेस्ट को एक्सप्लोर करने में एस्कॉर्ट करती है। लास्ट ऑफ अस अपने स्टोरी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इस वीडियो गेम की एक टीवी शो आ रहा है। जहां आजकल इतने सारे गेम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वहीं इस गेम की स्टोरी एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ लॉस्ट ह्यूमैनिटी, लॉयल्टी और सेल्फ प्रिजर्वेशन को, और साथ ही सरवाइव को भी अच्छे से दिखाती है। अगर आपको लगता है कि ये जॉम्बी शो होने वाला है तो आपको इसका डीपर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।